तेरे आने से हो याने बाहर दिल नची जावे धक धक के। बच्ची कौन है? जरूर तुम्हारी बहन होगी, लेकिन वो बेहोश कैसे हुई? आप मुझे ये बताएं उसकी तबीयत कैसी है, होश में आ गई है वो? वो सब तो डॉक्टर वासिक बताएंगे, तुम एक काम करो पहले फीस जमा करा दो। फीस जमा करा दो? आपने मेरे पेशेंट की कंडीशन देखी है? मेरा हाल देखा है? मेरे पास ना फोन है ना पैसे है। मैं तो खुद स्टोर गई थी चिप्स लेने के लिए, मुझे रास्ते में मिली थी, उसकी हालत देखी और आपको फीस की पड़ी है? डॉक्टर साहब कैसी तबीयत है उसकी? शुक्र है कि आप लोग बरवक्त हॉस्पिटल ले आए, आप खतरे से बाहर हैं। शुक्र, मैं मिल लूं उससे? अब थोड़ी देर बाद, अभी वो पूरी तरह होश में नहीं आएंगे। सिस्टर अंजुम आपको बता देंगी, प्लीज। सब ठीक है, थैंक यू। अब हो गई ना तसल्ली, जल्दी से फीस जमा करा दो। हाँ सुने सुने, आप माहिर की दोस्त इफ्रा है ना? अब तुम माहिर की मुलाजमा हो ना, सब ठीक तो है? मुझे आपकी हेल्प चाहिए, मुझे कॉल करनी है, मेरे पास फोन नहीं है, मुझे तो घर वालों में से किसी का नंबर भी याद नहीं है। आपके पास तो माहिर का नंबर होगा ना? अब मैं कॉल करती हूँ, डोंट वरी। हेलो, हाय इफ्रा, कैसी हो? अब हाँ, हाय माहिर। हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। दादी कैसी हैं? दादी की तबीयत थोड़ी खराब है, वो तो अभी तक हॉस्पिटलाइज है। मेरी बात सुनो, वो तुम्हारी मुलाजिम है ना, तुमसे बात करना चाह रही है। मेरी मुलाजमा कौन? तुम बात कर लो ना। हेलो हेलो माही, आप उस दिन मुझे जिस हॉस्पिटल लाए थे ना, बस वहीं आ जाएं जल्दी से। सानिया, तुम वहाँ क्या कर रही हो? वो एक लड़की बेहोश हो गई थी रास्ते में, मैं उसे लेके हॉस्पिटल आई हूँ। मेरे पास तो ना फोन है ना पैसे है, मैं तो उसके घर वालों को भी नहीं जानती, पता नहीं कौन है। आप प्लीज जल्दी से आ जाएं। यार एक तो तुम भी ना, तुम्हें भी मुसीबत है अपने गले डालने का शौक है। अच्छा ठीक है, बस अब तुमने पहुंचा दिया ना उसको हॉस्पिटल, बहुत है इतना, घर आओ फौरन। ऐसे कैसे आ सकती हूँ मैं? ठीक है फिर मत आओ, भुगतो, मैं बिजी हूँ, यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, बाय। माहिर माहिर, कैसे कैसे जालिम और संगदिल लोग हैं इस दुनिया में यार। क्या हुआ, नहीं आ रहा? नहीं, बेहिस है बहुत। वो बेहिस नहीं है, तुम हसास ज्यादा हो। तुम उस लड़की को जानती तक नहीं हो? नहीं, वो तुम्हारी कुछ लगती भी नहीं है, और फिर भी तुम इतना परेशान हो उसके लिए। मेरी कुछ नहीं लगती, लेकिन किसी की बहन या बेटी तो लगती होगी ना। जैसे मेरी अम्मी के लिए मैं अजीज हूँ, उसकी अम्मी के लिए भी तो वो उतनी ही अजीज होगी। मुबारक हो, तुम्हारे पेशेंट को होश आ गया। शुक्र अल्लाह का, मैं मिल लूं उससे? हाँ मिल लेना, लेकिन पहले हम उसे कमरे में शिफ्ट कर लें। लेकिन हाँ, ज्यादा लंबी लंबी बातें मत करना। ये बेचारी क्या लंबी लंबी बातें करेगी, ये तो खुद उसे नहीं जानती। इंसानी हमदर्दी में लेके आई उसे। अच्छा, परेशान तो ऐसे हो रही थी जैसे उसकी कोई बड़ी अजीज हो। अच्छा मैं अभी आती हूँ। ये बिल मुझे दे दो, मैं पे करती हूँ। थैंक यू सो मच। इट्स ओके। एक्सक्यूज मी, कैसी हो? ठीक हो ना आप? मैं ठीक हूँ, आप कौन है?
वही तो तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आई हूँ। अच्छा तुम ऐसा करो, मुझे ना अपने घर वालों का नंबर दे दो, मैं उन्हें कॉल करवा के बुला लेती हूँ। मुझे तो घर में किसी का नंबर ही नहीं याद आ रहा, आप प्लीज मेरी मामा या भाई को बुला दें। अच्छा अच्छा परेशान ना हो, मैं कुछ करती हूँ। तुम आराम से याद करने की कोशिश करो, कुछ तो याद आ जाएगा ना। हाँ कुछ भी, तुम मुझे बताओ कि तुम जहाँ पे गिरी थी वहीं आसपास रहती हो? जी उसी एरिया में रहती हूँ मैं। अरे मैं भी तो उसी एरिया में रहती हूँ, तुम कोई घर की निशानी बता सकती हो? लेन 2 में घर है मेरा, घर के गेट का कलर ब्राउन है और बराबर वालों का ब्लैक। तुम्हारे घर के गेट के सामने वो बिना घोड़े वाली बग्गी खड़ी रहती है वो? हाँ हाँ। तुम्हारे भाई का नाम फरहाद है? जी जी, आप प्लीज फरहाद भाई को ही बुला दें। क्या हो गया बेटा, कैसी तबीयत है आपकी? अब रानी क्या हुआ इसको, कैसी तबीयत है बच्ची की? अब ठीक है। और पता है ये कौन है? आपकी नेबर है। कैसे अजीब होते हैं ये शहरी लोग, आसपास के लोगों से कितने गाफिल होते हैं। क्या ये बच्ची हमारी नेबर है? जी। अब अगर आप आ ही गए ना तो जाके अम्मा जी को कॉल करें और उन्हें कहें कि वो फरहाद को पैगाम पहुंचाएं कि उसकी बहन हॉस्पिटल में है। मैं कर दूं। बेटा आप परेशान नहीं हो ना, मैं आपके घर पे इन्फॉर्म कर रहा हूं, ठीक है? हाँ वो कॉल कर रहे हैं, अभी आ जाएंगे सारे। हाँ अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो, चलो बाहर जाओ, इसे आराम की जरूरत है ना। ओ अच्छा, अभी तुम ना टेंशन मत लो, रेस्ट करो ठीक है, बस आते ही होंगे तुम्हारे घर वाले। ठीक है मैं बाहर हूँ। बेटा अब ठीक हो ना? जी 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 दादी, पहुंच गया मैं। आप चाचू से कहें कि जाके बता दें उनको। ठीक है, नहीं नहीं परेशानी वाली कोई बात नहीं है। हाँ इधर ही रानी अभी, ठीक है ओके। बता दिए, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आपकी तो क्लास नहीं थी? थी लेकिन क्या करूं, अचानक मेरे दिमाग में ख्याल आया कि अगर तुम पुलिस और कचहरी के चक्कर में पड़ गई तो दौड़े किसकी लगेंगी, मेरी। इस वजह से अपनी क्लास छोड़ के आया हूं तुम्हारे लिए यहाँ पे। इसके घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया, थोड़ी देर में आ जाएंगे वो लोग, हम लोग चलते। नहीं नहीं मैं कहीं नहीं जा रही जब तक उसके घर वाले आ नहीं जाते, ऐसे अकेला छोड़ के थोड़ी जा सकते हैं उससे। ठीक है रहते हैं फिर इधर ही। देखा आ गए ना पीछे पीछे, नहीं रह गया ना, मैंने कहा था मुझे सब समझ आती है, दिल का मामला है ना। दिल का मामला? तो ये लोग पता नहीं क्या क्या सोचते होंगे, पता नहीं और कितनी देर चौकीदारी करनी पड़ेगी इसकी। ओ भाई हेलो, क्या सीन है, कब से तो इन्फॉर्म किया हुआ उसके घर वालों को, अभी तक तो कोई पूछने भी नहीं आया, कब तक इंतजार करना है? उनका कौन सा हेलीकॉप्टर को ठेके पे देने का बिजनेस है, और सिर्फ आधा घंटा पहले ही तो इन्फॉर्म किया है, अब वो उड़ के तो आ नहीं सकते बेचारे। अगर आपको कहीं जाना है ना तो आप जा सकते हैं, मेरी वजह से अगर यहाँ रुके हुए ना तो ना रुके, मैं खुद ही आ जाऊंगी। ओ हेलो, अपने मशवरे ना अपने पास ही रखो, जानता हूँ मैं तुम्हें, तुम्हें तो दुनिया के किसी भी कोने पर छोड़कर आ जाओ, तुमने तो वापस आ ही जाना है। जो मैं यहाँ बैठा हूँ ना तुम्हारी वजह से नहीं, दादी का एहसास है इसलिए वेट कर रहा हूँ। तो फिर जाके ना ये एहसान भी दादी को ही जताएं, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ ज्यादा जबान मत चलाया करो। हाय माहिर। ओ हाय। हेलो पेशेंट कैसी है तुम्हारी? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, अब तुम्हारा शुक्रिया अदा करना यार, फिर से तुम ना होती तो वो बेचारी का तो इलाज ही ना होता। थैंक यू। यार शर्मिंदा मत करो अब। और माहिर तुम कैसे आ गए, तुमने तो कहा था तुम नहीं आओगे। वैसे आना तो नहीं था लेकिन दिमाग खराब है ना मेरा, तो इसके कहने पर यहाँ चला आया, सुबह से एक कप चाय तक नहीं पिया यार, भूखा बैठा हूँ, चौकीदारी कर रहा हूँ इस पेशेंट की, तनी कब आएंगे इसके घर वाले। बहुत लकी हो तुम जो ऐसी मुलाजमा मिली है तुम्हें, कितनी हमदर्द है, कितनी नेक दिल है, ये नहीं मिलते आजकल ऐसे सेवेंस। नाम क्या तुम्हारा? मेरा नाम तो इन्हीं से पूछते हैं, अब पता नहीं ना ये
क्या नाम रखना पसंद करेंगे? फिर क्या नाम सोचा माहिर? क्या मतलब? वो इफ्रा एक्चुअली यार उस दिन ये मुलाजमा नहीं है, मेरी कजन है, दूर की कजन है। तुमने इतना बड़ा झूठ बोला हमसे माहिर। I'm sorry यार, मगर क्यों? अरे यार, क्योंकि इनको लगता है कि मेरे जैसे आम से कपड़े पहनने वाली सादा सी लड़की को अगर ये अपना रिश्तेदार बना लेंगे तो इनकी इज्जत कम हो जाएगी ना, लोग इन्हें हकारत से देखेंगे, इनके अपने दोस्त, और फिर इनकी जो आन बान शान है उसको ठिक्का लगेगा, और हो सकता है कि इनके रिश्ते आने बंद हो जाए। यक, तुम ऐसा सोचते हो? और कौन से रिश्तेदार है तुम्हारे? अरे क्या हो गया तुम्हें, तुम किसकी बातों में आ रही हो? जी यही सोच है इनकी, इन्हें लगता है कि इज्जत इंसान की नहीं बल्कि उसके रुपए पैसे और प्रॉपर्टी की होती है। चुप हो जाओ, बिल्कुल देख रही हो क्या माहौल है हॉस्पिटल में? आए मैं जगह देखती नहीं, शुरू हो जाती है जगह। मैं शुरू हो जाती हूँ और जो खुद इतनी देर से बड़बड़ा रहे हैं वो? अगर ये हॉस्पिटल नहीं होता, घर होता ना, तो मैं तुम्हें दिन में तारे याद दिला देता। ओ हेलो, ये तारे ना अपनी जेब में रखें, मेरा मीटर आउट हुआ ना तो अच्छा नहीं होगा। इधर है मामा, इधर आ रानिया, मेरी बहन की तबीयत कैसी है? हाँ बिल्कुल ठीक है, खतरे से बाहर है, तेरा शुक्र है। हाँ फरहाद, मुझे मेरी बच्ची के पास ले चल। हाँ। मैं ले चलती हूँ, मैंने इतनी देर में ना हॉस्पिटल में सही जान पहचान बना ली है, कोई नहीं रोकेगा हमें। हाँ बेटा, मेरी लाइबा ठीक है, होश में आ चुकी? जी जी होश में है वो, लेकिन आप लोग ना अल्लाह का शुक्र अदा करें, बहुत बड़ी बला टली है आप लोगों के सर से, सदका दें आंटी जी। अल्लाह तेरा शुक्र है बेटा, तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया, वरना आजकल कौन किसी की मदद करता है? कोई करे ना करे, मैं तो करती हूँ, अब इंसान इंसान के काम नहीं आएगा तो फिर मसले कैसे हल होंगे हैं? चल मैं आपको ले जाती हूँ, वहाँ है रूम, आ जाओ। आज क्या क्या तुम कहाँ जा रही हो अंदर उनके साथ? अब मिलवा तो तू दोनों को, तुम्हारी कौन सी ट्रेन छुट्टी जा रही है? मिलवाओगी भी तुम? लाइबा बेटा क्या हुआ तुम्हें, अब कैसी हो बेटा? ठीक हूँ ना। जी मामा मैं ठीक हूँ, पता ही नहीं चला ये सब कैसे हो गया। आपको पता है यही है जो मुझे हॉस्पिटल लेकर आई थी। हाँ बेटा, इनका एहसान मैं नहीं उतार सकती। बेटा क्या नाम है आपका? हाय क्या जमाना आ गया है ना, पड़ोसियों को पड़ोस में रहने वालों का कुछ पता ही नहीं है। अरे ये हमारी नेबर है, इन्हीं के अंकल तो आए थे हमारे घर में लाइबा की खैरियत का बताने के लिए। हाँ जी आप आए ना कभी हमारे खुशालपुर, हमारे गांव में ना घरों के बीच में जो दीवारें हैं ना वो तकल्लुफ नहीं है, मोहल्ले वाले तो ऐसे लगते कि खानदान वाले हैं, किसी के घर में किसी को कांटा भी चुभ जाए ना सारे मोहल्ले वाले दौड़ के पहुंच जाते हैं। काफी लिबरल गांव लग रहा है आपका। जी माशाल्लाह बहुत, होता ना ये हमारा खुशालपुर अभी हॉस्पिटल फुल होता मोहल्ले वालों के रश से। मामा मुझे पानी चाहिए। पानी? अरे क्या हुआ, रुक क्यों गई? प्लीज कंटिन्यू, क्या कह रही थी आप? मोहल्ले वालों का रश। हाँ वही से, वही से। हाँ तो ठीक ही तो कह रही है, आजकल हमने एक दूसरे से रابطہ रखना गैर जरूरी समझ रखा है। मामा हमारे नेबर्स बहुत अच्छे हैं, अब इनके घर जाएंगे ना तो बहुत खुश होंगी, अम्मा जी से मिल गए तो आप तो अम्मा जी की फैन हो जाएंगी। लाइबा जब हॉस्पिटल से घर आ जाएगी ना तो मैं उनसे मिलने जरूर जाऊंगी। बेटा आपने नाम नहीं बताया आपका नाम। मेरा नाम बहुत अच्छा है जी, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, रानिया, रानिया अहमद, मेरे मियाँ जी ने रखा है, अच्छा है ना? माशाल्लाह माशाल्लाह रानिया, बहुत खूबसूरत नाम है आपका। बेटा तुम्हारी मदर से खुद मैं शुक्रिया अदा करने जाऊंगी, जिन्होंने इतनी अच्छी तरबियत की है तुम्हारी, दूसरों की हेल्प करना सिखाई है। उसके लिए तो जी आपको हमारे गाँव खुशहालपुर आना पड़ेगा, आपने इन साहब के और मेरे हुलिये में फर्क तो देखा होगा है ना? देखें दरअसल ना मैं इनकी दूर पार की करीब से रिश्तेदार हूँ, असल में तो ये आपके पड़ोसी हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो बेटा। ये ना बहुत बड़े लोग हैं, खुशहाल, एजुकेटेड, शानदार माजी और शानदार फ्यूचर वाले। आंटी आंटी अब आप आ गई हैं तो आप ही ख्याल रखिए, हम आपका ही वेट कर रहे थे, हमें अब आप इजाजत दीजिए, हम चलते हैं, है ना? बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज, मैं कल फिर आऊंगी। हाँ हाँ बेटा जरूर आना, बल्कि आप कहती है तो मैं माहिर के हाथ खाना। अच्छा आंटी, अच्छा अच्छा बेटा अपना ख्याल रखना, ठीक है? अच्छा आंटी थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बाजी काफी खुशहाल शक्ल के गरीब लोग रह रहे हैं हमारे मोहल्ले में, तो इस पे गौर कीजिएगा।
क्यों खींचा था मुझे? दो मिनट रुक नहीं सकते थे? बात कर रही थी ना मैं। हाँ जानता हूँ क्या बात कर रही थी। तुम जो चाह रही थी कि तुम वहाँ पे रुको, लोग तुम्हारी तारीफें करें और तुम एंजॉय करो। मुझे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, लोग खुद ही मेरी तारीफें करते थे। मैं पर आज केमी से सिर्फ इतना कह रही थी कि वो फिक्र ना करें, मैं उनके घर को साफ कर दूंगी, बल्कि साफ सफाया कर दूंगी उनके घर का, है ना? आइंदा ऐसी बात ना करना, मुझे एक बार गुस्सा आ जाएगा तो मैं ये नहीं देखती कि मैं कहां खड़ी हूं। मैं उनसे सिर्फ इतना कह रही थी कि मैं उन्हें खाना भेज दूंगी। अरे खाने का नाम लेके तुमने मेरी भूख और चमका दी। वैसे इतनी देर से मुझे भूख लगी जा रही है। रात भी हो गई है, अंदाजा ही नहीं हुआ। भूख तो मुझे भी बड़ी लग रही है। मैं तो पागल था ना, उस वक्त से तुम्हें कह रहा था कि चलो चलो चलो, लेकिन नहीं। तो क्या हो गया? अपना शहर है, गाड़ी अपने पास है, हम अभी चले जाते हैं। ठीक है, पहले कुछ खा लेते हैं फिर घर जाएंगे। क्या खिलाएंगे? देखता हूँ ना, आगे जाके रेस्टोरेंट आएगा, सैलेड या स्टेक देख लेंगे। चौधरी ढाबा खुशालपुर की मशहूर दाल मखनी, यही खाएंगे हम। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? जगह देख रहे हो कितनी फजूल है, पता नहीं कितना बेकार खाना होगा यहाँ का। आगे चलते हैं, किसी अच्छे रेस्टोरेंट से खाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, खाने को ऐसे नहीं कहते हैं, और आज खा लेंगे तो मौत नहीं पड़ जाएगी, मैं तो यही खाऊं। अरे रानिया क्या कर रही हो? रुको, तुम बैठो गाड़ी में आके वापस। रानिया रानिया, बात सुनो, तुम पागल, तुम कहाँ उतर गई हो? उठो अभी चल के गाड़ी में बैठो। अरे आगे से कुछ ले लेंगे ना, चलो। कुछ नहीं होता, आगे चुपचाप बैठ जाए, यहाँ पे बड़े मजे का खाना मिलेगा यहाँ पे। किसी ने पहचान लिया ना तुम? इंसान पहुंचा कि यहाँ पे। हाय भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सुने, दो प्लेट अपनी स्पेशल वाली दाल मखनी की कर दे, एक चिकन कढ़ाई कर दे, एक चिकन टिक्का भी कर लेते हैं, और तीन चपाती और दो रोगनी नान भी कर दे। रुक रुक रुक, क्या कर रही हो? ये सारे गांव के लिए ऑर्डर कर रही हो क्या? अरे भाई मीठे में क्या है? गुलाब जामुन। गुलाब जामुन बस, चले फिर गुलाब जामुन भी कर दे। हाँ और सुने, दो कप गर्मा गर्म इलायची वाली चाय मलाई मार के, जल्दी से लाए, बड़ी भूख लग रही है। इतना सारा क्यों मंगा लिया? चार नान कौन खाएगा? अभी जब आएगा ना तो बचेगा नहीं, देखना बड़ा मजे का होता है। हमारे इलाके में भी यही वाला मिलता है। पेट ना खराब हो जाएगा। बच्चे कितने रह गए ने हैं? हमारा जरा फोन तो कर तू। ओ माँ जी हॉस्पिटल गए, टाइम लग जाता है, आ जाएंगे। मैं तो कुछ समझ नहीं आ रहा, महीर तो यूनिवर्सिटी विच सेगा, ते ओ रानिया गई सी बच्चियां वास्ते इत्थे नुक्कर दी दुकान ते चिप्स चिप्स लैन। बात तो ठीक है माँ जी, लेकिन आ जाए तो ही पता चलेगा ना, आ जाने दो ने। ते मैं सोच रही सी कि नाल पड़ोसियां वाली जड़ी बच्ची है उसनू भी जाके वेखावा अस्पताल च। है हो हाय, आप क्यों ख्वार होंगी अम्मा जी, हम आ तो मैं चले जाएंगे। है हम आ टाइम मिला तो चले जाएंगे, चल चल। बात सुन रही हैं आप अपने वेले पुत्र की? है टाइम मिला तो ऐसे बोलता है जैसे दुनिया का मसरूफ तरीन इंसान है, काम क्या करता है। नहीं आज तुम बता दो ना अम्मा जी और मुझे कि कौन से खुफिया मिशन पे तुम जाते हो, न जाने कौन सा गुनाह कर लिया कि ये काम चोर निकट्टू मेरे पल्ले पड़ गया। सुन रहे हैं तेरे वजह नाल मेरी किन्नी बेइज्जती होंदी है, हैं? बाज आ जा, तू बाज आ जा, तेनू ते मैं लेके ना किसी फैक्ट्री विच वर्कर लवाना है, ओ भी डबल शिफ्ट ते, फिर ना रोगी। यही इलाज है इसका, हैं? मूव करके पानी तक नहीं पीता, हैं? दसो जरा, दो दो शिफ्टें करेगा ना तो लग पता जाएगा। ओ नहीं माँ जी, मेरी क्या मजाल के मैं अपनी बेगम साहिबा की बात ना मानू, हम चलेंगे हॉस्पिटल लाजमी जरूर। तेरी बेहतरी ऐसे चाहिएगी। हाँ स्वाद आ गया, कितना मजा आया ना। क्या कर रही हो यार, ये कैसे लेंगे जूस करेगी? आगे पीछे लोग बैठे हुए, क्या सोचेंगे हमारे बारे में? कुछ नहीं सोचेंगे, वो क्या है ना कि मेरी क्लास वाले लोग ज्यादा सोचते नहीं है, इज्जत पे बात नहीं आएगी आपकी कोई। अस्तगफिरुल्लाह, तुम्हारे मुंह में नौ स्पीकर फिट हुआ है क्या? पेंडुओं वाली हरकत है तुम्हारी। हाय मजा ही आ गया, कितना अच्छा खाना था ना, और ढाबे की चाय की तो बात ही अलग होती है। अब चले, ये और 200-300 लोगों का खाना ठूसता है। चाय तो खत्म कर ले, चाय के बाद लस्सी मत मंगवा लेना। गुड आइडिया। अम्मा मैं थक गया, ये खा के अब खाना लगा, मैं बहुत भूख लगी है। गाल सुनो, बच्चियां नु ते आन दे। और अबेल जी, समन किथे है?
ख्याल रखिया करो दा। मलका जिस बात बन के कोनों खुर्दों में बैठी रहती है वो सारा वक्त, उसको वेख के कोई कह सकता है कि मेरी जैसी शेर दिल नानी दी नवासी है वो है? अलबत्ता रानिया जेड़ी हैगी ना वो बिल्कुल मेरे ते गई है। वाकई माँ जी, रानिया बहुत ही शानदार बच्ची है, बहुत प्यारी लड़की है। अल्लाह खैर करे, बच्ची अजे तक नहीं आए, अल्लाह खैर करे। अम्मा जी क्यों परेशान होती हैं? आ जाएंगे ना थोड़ी देर में। ये जरा इनको फड़ाना मुझे थोड़े से। ये ले शहंशाह, ये भी ले। थैंक यू। उफ, इतना खाना खा लिया, नहीं नींद आ रही, अब तो गाड़ी चलाने का दिल ही नहीं कर रहा। इसी दिन के लिए तो मैंने कहा था कि मुझे ड्राइविंग सिखा दे, अगर आज सिखाई होती ना तो मैं चला लेते और आप सुकून से सोते, मगर नहीं। अच्छा सुने, बोले आप मुझे कल से ड्राइविंग सिखा देना, मैं जल्दी जल्दी सीख जाऊंगी। मैं तुम्हें ड्राइविंग सिखाऊं? इससे अच्छा ये नहीं है कि मैं आज नमाज पढ़ के अल्लाह से दुआ करूंगा कि आज के बाद जब तुम्हारी कंपनी कभी नसीब ही ना हो। वैसे वो और ही लोग होते हैं जो दूसरे लोगों की सोहबत पे बैठ के उनकी तरह अपना अखलाक भी अच्छा कर लेते हैं। आप पर तो कोई असर नहीं पड़ रहा मेरी सोहबत का। अच्छे लोग। तो ये आज का दिन ही मनहूस है। मेरे आधे पैसे तुमने वहां हॉस्पिटल में लगवा दिए और बाकी आधे ये 200-300 लोगों का खाना खाने में लगवा दिए। चेक करता हूँ। शुक्र, पेट्रोल के पैसे तो है। रोए मत, जो पैसे लिए ना वो वापस भी कर दूंगी। एमी खालम खुली रईस। यार मेरा दिमाग बहुत खराब हो रहा है रानिया, अब चुप करके बैठो तुम। एक आवाज भी निकाली ना तो यही उतार दूंगा। बोले जा रही है, बोले जा रही है। अच्छा पहले तो बड़ी तड़िया लगा रहे थे। कर तुम हम गाड़ी में नहीं बैठी ना, मैं तुम्हें उठा के गाड़ी में फेंक दूंगा। अच्छा आए उठाए, आए ना, हिम्मत है तो उठाए। जब सुनो मेरी बात, मेरे सर में वैसे ही बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मेरी हालत पर रहम खाओ, गाड़ी में बैठ जाओ प्लीज। अरे तुम्हें तुम्हारे होशियार हासनपुर की कसम यार, तुम्हें तुम्हारे मियां जी की कसम, प्लीज गाड़ी में बैठ जाओ ना प्लीज। वजीर आजम बनना है मुझे, और एक बार जब मैं धरने पे बैठ जाऊँ ना तो कोई माई का लाल नहीं मुझे उठा सकता। लेकिन कसम आपने बहुत बड़ी दे दी है, इसलिए उठना ही पड़ेगा। चलो आओ उठो। उठो, खुद उठ सकती हूँ मैं। कोई बात नहीं, मरीज है, मरीज है बेचारी। पेपर है। हेलो, ऐसे ऊँग क्या रही हो, अलर्ट होके बैठो वरना ड्राइवर को भी नींद आ जाएगी। प्लीज आंखें खोल के ड्राइव कीजिएगा, खुद तो अपनी गलती की वजह से मरेंगे और मैं बेचारी बेकसूरी मर जाऊंगी। और अभी ना मेरा मरने का कोई मूड नहीं है, बहुत काम है। सलाम अलैकुम बॉस, फूल ले लो साहब। मैं क्या करूंगा इन फूलों का, नहीं चाहिए, आगे जाओ। अपनी वोटी के लिए ले लो साहब। कौन सी वोटी, कैसी वोटी, दिमाग ठीक है तुम्हारा? जो है बराबर में बैठी है, कितनी सोनी है। पहले तो तू अपनी आंखों का इलाज करवा और निकल जा यहां से। सुबह से मैं ये बकवास सुन सुन के ना मेरा दिमाग पक गया। इससे पहले कि सारा गुस्सा तुझ में निकले, जा दौड़ जा, दौड़ जा। एक सेकंड, ऐसे कौन बात करते बच्चों से? बच्चे तुम इधर आओ, इधर आओ। अरे ये सड़ियल, ये ना थोड़े से घूमे में दिखा, ये तो बड़े प्यारे हैं। ऐसे करो दो दे दो। दो क्यों ले रही हो, करोगी क्या इन फूलों का? पहनूंगी और क्या करूंगी।
दो पैसे दे इसको। पैसे दे इसको। दे रहा हूं। कितने के हैं? 200 नहीं बल्कि 300 का एक। क्या 300 का एक? क्यों, ये गुलाब के सोने के? फूल तो सोने के नहीं है पर वोटी तो सोने की है, इसके खातिर दे दो। बुरी बात है, बच्चे ज्यादा फिल्में नहीं देखते हैं और इन्होंने कौन सा मुझे प्यार से लेकर दिया, मैंने खुद जोर जबरदस्ती से लिए हैं, पैसे दे दें बेचारे को। अरे चेंज क्या हो गया कंजूस? 50 रुपए का था, 500 रुपए दिलवा दिए। अगर ये सिग्नल ना होता ना तो बताता मैं इसे। शुक्र है आज का दिन खत्म हुआ, थक गया आज तो मैं। ना जान ना पहचान, उस लड़की का नाम तक नहीं मालूम और उसके चक्कर में सुबह से शाम हो गई हॉस्पिटल में। वैसे अगर मुझसे पूछे तो आज का दिन था बड़ा सैड, लड़की बेचारी एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल पहुंच गई, मगर आपने बहुत एंजॉय किया है ना, फिर तुम्हारी तारीफें हुई, वाहवाह हुई, खूब शाबाशी समेटी तुमने। कि आप बार बार एक ही बात क्यों किए जा रहे हैं, मतलब क्या है आपका? कि मैं लोगों की मदद इसलिए करती हूँ ताकि मेरी वाहवाह और मुझे मशहूरी मिले। Exactly. बिल्कुल सही समझ रही हो तुम, क्योंकि सच भी यही है। अस्तग़फ़िरुल्लाह, कैसा जमाना आ गया, लोग दूसरों के बारे में कैसी गलतफहमियां पाल लेते हैं, खुदा का खौफ भी नहीं है। हाँ ठीक है, तो अब क्या करना है, अंदर जाना है या यहीं खड़े होकर तुमने मुझे लेक्चर ही देते रहना है? सुनो, आज का दिन वैसे ही बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था, ये दादी के सामने जाके शिकायतें भी कहते मत करना, डांटेंगी वो और इस वक्त मेरा डांट सुनने का कोई मूड नहीं है। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम भाई, बड़ी देर लग गई है। हाय, की हाल है बच्ची दा हुण? हालांकि शुक्र से बेहतर है, शुक्र है उसे ज्यादा चोट नहीं आई, बस 2-3 दिन में आ जाएगी घर इंशाल्लाह। अल्लाह दा शुक्र है, पाक परवरदिगार। बाजी खाना लगा हुए? आहो पुत्र खाना लगा, बच्चे आ गए ने, भूखे होंगे। नहीं दादी, खाने की जरूरत नहीं है, खाना हम खा कर आए। अच्छा चलो चाय पी लो फिर। चाय भी पी हुई है दादी, आप रहने दे बस। आजकल अस्पताल वाले क्या गजरे पहना रहे लोगों को वेलकम करने के लिए? अरे नहीं चची, ये तो माही ने खरीदे थे रास्ते से। चेहरा? हाँ दादी, वो मैं थक गया हूँ, थोड़ी देर आराम करो। हाँ तजा आराम कर, थक गया होएगा। ले दस, सब इतने परेशान थे हैं, अम्मा जी कितनी परेशान थी, हम कितने भूखे बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं और यहाँ पे खाने भी खा लिए, गजरे भी खरीद लिए, पहन भी लिए, इतने मसरूफ हो गए कि फोन ही कर ले घर पे। अरे मेरे पास तो मोबाइल नहीं था अम्मा जी, वरना मैं जरूर कॉल कर देती। चल कोई गल नहीं पुत्री, कोई गल नहीं, चल तू जाके आराम कर, थक गई होनी है। जी एक बात तो मुझे बताओ, तुम उस लड़की को अस्पताल कैसे लेकर गई थी है? और तुम्हें कैसे पता था कि वो हमारी पड़ोसन है? मुझे तो मालूम ही नहीं था, मैंने तो ऐसी इंसानियत के नाते मदद कर दी थी। अब मदद सिर्फ जान पहचान के लोगों की तो नहीं की जाती ना, क्यों अम्मा जी? माशाल्लाह, ए पूरी मेरे अखबार दी तरबियत बोल रही है, वो भी ऐसे तरह 24 घंटे तैयार रहता है खिदमत खल्क दे वास्ते। मोबाइल तो तुम्हारे पास नहीं था है, तो फिर महीर को कैसे बुलाया तुमने, अस्पताल से कॉल करवाई होगी, जिसका मतलब है कि तुम्हें महीर का नंबर ज़बानी याद है। उगड़ गई है, खाना लगा ले क्या हम? आखो खाना लगा ले पुत्र, खाना लगा, बच्चे तो खा पी कर आए नहीं तो ऐसी तो खा ली। बोल रहा हूँ मैं, भूख लग रही है। मैं फिर आराम करती हूँ अम्मा जी। हाँ पुत्र, तुझे आराम कर, थक गई होगी तू, जा शाबाश शाबाश, जा आराम कर। से बकवास कर रही हूँ, सामान पकड़ो और आ जाओ यहाँ, लेकिन नहीं, मोना मोना ही नहीं होगी ना अगर बाजी की बात नहीं सुनेगी। ओहो आपी, आपका ससुराल कौन सा कहीं भागा जा रहा है,
मेरी दोस्त की शादी है, जाने जिगर की, मैं तो मिस नहीं करने वाली। वाह, चाहे तू अपनी शादी का चांस मिस कर दे, हैं? इतना इंपॉर्टेंट क्यों है मुझे बता? उधर तू शादी पे नाचेगी नहीं तो क्या शादी कबूल नहीं होगी? या फिर बता दे मुझे, लड़के वालों ने यही शर्त रखी थी कि भाई इसने नाचना है। अरे भाई, गुस्से में तो आप बहुत ही आउट हो जाती हैं। अच्छा फिकर मत करें, मैं आ जाऊंगी। और हाँ सुने, माहिर को ना मेरी तरफ से प्यार दीजिएगा। ओके बाय। हो गया है? खाना लगाने का कहा था आपको? आप खाओ खाना और आओ दावतें। हद होती है, ऐसा शख्स, ऐसा बेहिस, बेफिक्र पल्ले पड़ा है मेरे। मुस्तकबिल की कोई टेंशन नहीं है तुम्हें, कोई फिक्र नहीं है, बस टेंशन है तो खाबे की। क्या हो गया, क्यों गुस्सा कर रही हो, क्यों किसी और का जहर मेरे सिर मार रही हो? हमाद, मेरी गल सुन। देखा था कि नहीं, देखा था कि नहीं, हैं? दोनों इकट्ठे आए थे अस्पताल, तो बहाना था, खाना भी खाया, चाय भी पी है और गजरे भी दिलाए उसको। हाँ कुछ तो देखा था। तो फिर कैसे इतने मुतमईन बैठ सकते हो? तो और क्या कर सकता हूँ, वैसे भी इस बात पे मेरा गैर मुतमईन होना बनता नहीं है। मर जाऊं, हम आज सच सच बता दो, तुमने कोई सस्ता नशा वशा तो नहीं स्टार्ट कर लिया? हमारे नाक की चीजें सब कुछ हो रहा है, नजर नहीं आ रहा तुम्हें? समझ नहीं आ रही, एक तरफ ये बेहद सुन इंसान और उस तरफ वो है, अपनी शादी मिस हो जाए, चांस सारे उसके, लेकिन शादी पे ना अपनी बेस्ट फ्रेंड के डांस करना है। किधर फंस गई हूँ मैं? अच्छा एक काम करो, तुम फंसी रहो, मैं खाना खुद ही ले लेता हूँ। चलाकियां चेक करो, वो बच्चों के चिप्स और बिस्किट के बहाने निकली, वो यूनिवर्सिटी के बहाने हैं, दोनों फिर मिले। कर ले जो करना है महीर, पुत्र शादी तेरी मोना के साथ होगी वरना मेरा नाम सीमा नहीं है। शहनशाह, बारीक बारीक काटना, तुम बहुत मोटी मिर्चे काटते हो। अम्मा जी आप जाकर बैठे ना, बस 10 मिनट में नाश्ता तैयार है। पुत्री रानिया, मैं सोच रही थी कि ये नाल वाले जेड़े पड़ोसी हैं, उनके घर वो बच्ची ते माँ थे अस्पताल में, ते क्यों ना हम लोग कुछ यहाँ से भेज देने इन्हानु। मेरे तो जहन से ही निकल गया, वो तो घर पे वो बेचारा फरहाद और उसके मामू अकेले होंगे। ऐसा करते हैं, कुछ भिजवाने से बेहतर है कि उन्हें यहीं बुला लेते हैं। बेस्ट, ये बेहतर है। पुत्र शहनशाह तू जा ते उन्हानु कह नाल वालियां नु के भाई जब तक आपकी बच्ची ते तो उसकी माँ अस्पताल च है, दोवें इधर खाना खाओ। अच्छा हाँ, और सुनो, अब अगर उन्होंने रस्मी तौर पे इनकार किया ना तो मुंह उठा के चले ना आना वापस, लेकर आना उन्हें। अब जबरदस्ती थोड़ी ला सकता है मैं, इतना बड़ा बड़ा आदमी है, गोद में कैसे उठावेगा। मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। अम्मा जी फिक्र ना करें, मैं लेकर ही आऊंगी उन्हें। आओ भाजी, तुम गोद में उठाएगा? तेरा कहना ही काफी है, बहुत तासीर है मेरी जुबान में। अब आओ जाओ, जूस पी के आते। टेढ़ी नहीं तेरा पर्दा है, जूस पी के आना है। शहनशाह जल्दी आ जाओ यार। तेरे आने से हो याने बहार, तेरे आने से हो याने बहार, दिल नची जावे धक धक के, दिल नची जावे धक धक के, तक दया सारा दिन ओ यारा, तेनू तक दया सारा दिन ओ यारा। आए होए, इतनी जगह पड़ी लेकिन नहीं, मेरे सामने से ही तो आके टकराने आपने, थोड़े सांड की तरह घूमते पूरे घर में। ओए लो इजी, मैं तुमसे नहीं, तुम आके मुझसे टकराई हो। स्टूपिड गर्ल। स्टूपिड किसको कहेंगे? हाँ स्टूपिड किसको कहे? अभी तो मेरे पास वक्त नहीं है, इसे जवाब नहीं दे रही, जब मुझे वक्त मिल गया ना तो बताऊंगी कौन स्टूपिड है। चलो फालतू बातों का टाइम नहीं है हमारे पास। कान फाड़ दिया मेरा, इतनी आवाज पता नहीं कहां से निकाल लेती। बड़ी नेक बच्ची है भाई। इस घर में मुझे नाश्ता मिलेगा? वो सबर कर, मेहमान आ रहे हैं। लो जी अब और कौन आ रहा है इस घर में? गल सुन, वो पड़ोस में जो नाल वाले हैं ना, उन्होंने कहा मैं कि भाई जब तक वो बच्ची थे उसकी मां अस्पताल चिने तो हमारे घर ही आके खाना खा लिया करे। वेरी गुड, कराएं आप उनको नाश्ते, मैं चला यूनिवर्सिटी। तू कितने जा रही,
खाना खा के जा, नाश्ता करके जाए, खबरदार जी पहले की। मैं आराम से यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया में नाश्ता कर लूंगा, आप कराए अपने पड़ोसियों को और उनके पड़ोसियों को नाश्ते। वाह भाई कते मजाल है जी, गल सुन ले। आइए आइए, शर्मा क्यों रहे, जल्दी आ जाए। सही कह रही माँ, इसे अपना ही घर समझे, शर्माए मत। बाबला नहीं हो कि पराई घर को अपना घर समझे। राबेल राबेल देखो कौन आया है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। माऊ सर पे हाथ रखें, दुआएं दें इनको। बेटा माना कि बदकिस्मती से मैं रिश्ते में तुम्हारा मामू हूँ, लेकिन उम्र में इस कदर बुजुर्ग नहीं हूँ कि लड़की के सर पे हाथ रख के दुआ दे सकूँ। पीछे चोरपन की हरकतें मुझसे मत करो, समझे? आप लोग आइए ना, मैं नाश्ता लगा देती हूँ। शहनशाह चलो, जाओ जाओ जाओ। हाय, देखा मामू कितनी शरीफ सुगर और मेहमान नवाज लड़की है, सीरत और सूरत दोनों में एकता है। अरे यही तो बिकता है। अरे भांजे आप लड़की के गुण ऐसे गिनवा रहे हैं जैसे रिश्ते करवाने वाली खराती खाना हो। बेटा ये लड़कियों के कॉलेज के बाहर नंबर फेंकना छोड़ दो, ये छिछोरी हरकतें मत करो, ठीक है ना, समझे? मैं ना आप लोगों को अम्मा जी से मिलवाती हूँ, बड़ा ही खुश होंगी आप लोगों से मिलके। चलिए ना मामू। मामू नहीं हूँ मैं। कंट्रोल मामू, मतलब आपका मामू नहीं हूँ मैं, इसका मामू हूँ। चलें जी, आ जाए। मामू क्या बोल रही है? आए ना। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तो सुबह सुबह तैयार होने के अलावा आप लोग क्या करते हैं? वैसे बाय द वे मामू जरा मजाकी है, कंट्रोल। बिस्मिल्लाह, लाओ ना लाओ। बहुत शुक्रिया अदा करने के लिए आए हम लोग, इस कदर एहतमाम कर दिया आप लोगों ने, मजीद शुक्रिया वाजिब कर दिया आप लोगों ने हम पे। ऐसे कुछ भी नहीं, हमारे यहाँ तो रोज इससे ज्यादा एहतमाम होता है। आज हमारे शेफ छुट्टी पर है तो फिर जरा हौला हाथ रखे है हमने। रईसों का खानदान है ना हमारा, तो हमारा तो दस्तरखान माशाल्लाह से ऐसे भरिया भरिया रहता है। लो बिस्मिल्लाह करो। वाह 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 वाह, वेरी गुड भाई, बड़ा तमाम किया गया है। पाए, नान, सैंडविच, फ्रूट, लस्सी। ईद का दिन है या किसी और के घर तो नहीं आ गए? बीवी तो अपनी नजर आ रही। हमाद ये पड़ोसी है। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आप अकेले आए हैं, आपकी फैमिली नहीं आई, मतलब मिसेस? दरअसल मेरे मामू कवारे हैं, ढूंढ रहे हैं। एक्चुअली सोलमेट ही नहीं मिली आज तक। पाए ठंडे हो रहे होंगे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, सर्व करें सर्व करें सर्व करें। चम्मच फड़ा। तेरे आने से हो याने बहार, दिल नची जावे धक धक के।